हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो मेरा ये वाला मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट है, और ये जिनकी नई नई शादी हुई है ये मेकअप मैंने उनके लिए किया था। बहुत ही सिंपल सोबर और बहुत ही ग्लोइंग मेकअप है ये। तो मैंने ये वाली साड़ी पहन करके ये मेकअप क्रिएट किया है, जो कि जाएगा मेरे दूसरे वाले चैनल पे, शौरांजलि फूड एंड ब्यूटी पे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मैं अभी बना रही थी इंस्टाग्राम पे रील्स आप सभी के लिए, तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, मुझे पता है, इस ब्लॉग से पहले। तो मैंने सोचा कि चलो एक क्लिप अपने शूट करके रख लेती हूँ, जैसे लोगों को पता चल जाता है, ठीक है, तभी तो वो दूसरे वाले चैनल पर जाके देखेंगे ना इस मेकअप को। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो अभी मेरा सारा सामान ऐसे फैला हुआ है पीछे, और मुझे मेकअप किए हुए हो गए हैं 2 से 3 घंटे, 3 घंटे हो गए हैं। तो मेकअप किया, उसके बाद रील्स वगैरह बनाई, थोड़े बहुत फोटो वोटो क्लिक किए कम्युनिटी पे पोस्ट करने के लिए। तो अभी सामान जो है ऐसे फैला हुआ है मेरा सारा। और ये साड़ी मैंने मीशो से ली थी, आप लोग पूछेंगे इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ, ये साड़ी मैंने मीशो से ली थी। बहुत ज़्यादा महंगी साड़ी नहीं है यार, बहुत बजट में है, बहुत लाइट वेट है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, गोटा वर्क बहुत अच्छा है। तो गोटा पट्टी साड़ी है ये, और राजस्थानी लुक आता है थोड़ा सा इसको पहन के, क्योंकि ये लहरिया में है साड़ी, तो मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर भी बहुत पसंद है। तो लाइट, अभी मैं रिंग लाइट ऑन की हुई थी ना, तो काफ़ी कम लाइट लगती है रिंग लाइट को बंद करने के बाद, ये लाइट भी कम पड़ जाती है, बताओ। तो अभी मैंने बन बनाया हुआ था ये, तो मैंने भी खोल दिए हैं बालों को अपने। तो आज मैंने अपना ब्लॉग एंड किया था मॉर्निंग में, दाल ढोकली बनाई थी। तो बस अब डिनर में क्या बनाऊंगी वो देखूंगी मैं, बट इस ब्लॉग को मैं कल कंटिन्यू करूंगी। आज तो बस आपसे थोड़ी सी बात ही कर रही हूँ। और ये साड़ी मैंने कुछ ऐसे पहनी थी, ये प्लेट पूरी नहीं बनाई है, हाफ बनाई थी। हाफ क्या मतलब, ये दो ही बनाई है, चूड़ा पहना था। तो मेकअप ज़रूर देखिएगा मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाके। सारा मेकअप मैंने जो किया है ना, अपना पूरा मेकअप अपने नए प्रोडक्ट के साथ किया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अमेजोन से मैंने शॉपिंग की थी ना ब्यूटी वाली, तो वो तो मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, उसी से मैंने आज मेकअप अपना किया है। तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा शौरांजलि फूड एंड ब्यूटी को, और मेरा ब्लॉग चैनल इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। चलिए अब मैं आपसे कल मिलूंगी, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो एक क्लिप मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग की दिखाई थी, 6:30 बज रहे थे। तो जब टंकी भर जाती है तो मुझे इस तरह से पता चल जाता है, तो मैं मोटर को बंद कर देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी पंजाबी स्टाइल। तो बस यहाँ पे 3 चम्मच मैंने लिया है बेसन, और 1 ग्लास मैंने ली है यहाँ पर छाछ, जिसको मट्ठा बोलते हैं। तो अगर आप दही से बना रहे हैं तो जो बेसन है और दही है वो आप बराबर ले सकते हैं, और फिर ना इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो छाछ या दही है वो कितनी खट्टी है, उस हिसाब से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खट्टी है तो कम ऐड करें, और कम खट्टी है तो ज़्यादा ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है मट्ठा, क्योंकि यहाँ पर ताज़ा ताज़ा मिलता है। मैं थैली लेके आती हूँ, जैसे हम दूध की थैली लाते हैं ना, वैसे यहाँ पे छाछ की थैली भी मिलती है। तो बस यहाँ पे मैंने 1 ग्लास छाछ ले ली है, बाकी की मैंने फ्रिज में रख दी है। और ये मैंने बेसन ले लिया था 3 चम्मच। तो बस यहाँ पे मैंने घोल तैयार कर लिया है, पहले थोड़ा थोड़ा डाल के तैयार किया था, जैसे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो इस तरह से मेज़रमेंट में रखती हूँ, और इसमें पानी डबल टिबल जाता है, 3 ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं ये जो घोल है ये रेडी हो गया है कढ़ी बनाने के लिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप प्रॉपर दिखाया करो कि कितना आपने मेज़रमेंट लिया है बेसन का और दही का। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा। अभी इसमें डालेंगे हम मेथी, जैसे मैं हर बार कढ़ी बनाती हूँ उसे थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ, क्योंकि पंजाबी स्टाइल कढ़ी है। यहाँ पे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और इसमें मैंने 1 प्याज ली है, बहुत छोटे साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको इस तरह से चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। इसको आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन करने तक नहीं फ्राई करना है, बस मैंने हल्का सा किया है। उसके बाद हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन और करी पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आपके पास सूखी वाली लाल मिर्च है ना, तो आप हरी वाली मिर्च की जगह वो डाल सकते हैं, बट मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने हरी मिर्च डाल दी है।
अभी हम सभी को भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर और 2 चम्मच मतलब मैंने लाल मिर्च पाउडर, बहुत छोटी वाली चम्मच है आपने देखा ना मेरे स्पाइस बॉक्स की, और 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद मैंने इसमें ये घोल तैयार किया था ना वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अब हम पकने देंगे। तो काफ़ी टाइम तक ये पकेगी, मतलब 30 मिनट तो हमको इसको पकाना ही है और ऊपर भी थोड़ा सा पक ही जाती है। तो इस तरह से कढ़ी जो बनाओगे ना बहुत टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि क्वांटिटी में कम हो जाएगी और 30 से 35 मिनट में इसको पकाऊंगी। तब तक मेरी कढ़ी पक रही थी, तब तक मैंने इसमें पकौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं दूसरी वाली कढ़ाई में, और ये हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी, हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे घी डाला है। तड़के के लिए मैं सरसों का तेल वगैरह नहीं लेती हूँ, घी में लगाती हूँ। एक बार लगा के देखना आप घी में तड़का, मज़ा आ जाएगा। घी गर्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा हींग जीरा ऑयल डाल दिया है, थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डालूंगी और ये जो तड़का है ये हम डाल देंगे कढ़ी में। तो गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था और ऊपर से धनिया डाल दिया। तो ये हमारी स्वादिष्ट पंजाबी स्टाइल कढ़ी बिल्कुल रेडी है। मैंने प्याज के पकौड़े इसलिए नहीं बनाए क्योंकि फिर प्याज का फ्लेवर आता है कढ़ी में, इसलिए छोटे छोटे से मैंने इस तरह से बना के डाले हैं पकौड़ियाँ, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जो थाली है वो लगा रही हूँ, और ये मैंने ज़ीरा राइस बनाया है क्योंकि कढ़ी के साथ दाल के साथ मुझे राइस बहुत पसंद है। जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मैं एक टाइम राइस खाना ही पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने प्लेट लगा लूँगी, और मैंने थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर लिए थे जब मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी ना। तो पकौड़ी बहुत सिंपल बनाई थी, बेसन नमक और पानी से उसको घोल दिया था। और पकौड़ी मैं हर बार आपको दिखाती हूँ इसलिए आज नहीं दिखाई। तो ये है मेरी थाली, चलो हम लोग लंच करते हैं, बहुत टेस्टी लंच बना था। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी ना मैं यहाँ पर बैठी हूँ, धूप है सामने, मतलब अंदर पता नहीं क्यों मुझे आज सर्दी ऐसी लग रही है थोड़ी थोड़ी। मैं अभी सो गई थी और सो के उठी हूँ जस्ट। सो के उठने के बाद चोटी वोटी की, थोड़ा सा अपना फेस को एक जैसा किया, क्रीम वगैरह लगाई, क्योंकि इतना यम्मी लंच करने के बाद मैं सो गई थी। जी हाँ, अभी उठी हूँ, 2 घंटे सोई हूँ आज मैं, पूरे 2 घंटे। आपको बताया ना कि मैं डेली नहीं सोती हूँ और रात को भी लेट सोती हूँ, मतलब नींद पूरी नहीं हो पाती ना, तो 4-5 दिन में एक दिन तो फिर मैं दिन में सोती ही सोती हूँ। तो आज तो मैं बहुत लेट सो रही हूँ। आपकी स्किन के लिए सबसे अच्छा, मैं आपको बताऊं सारी चीज़ें वो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोग बोलते दीदी आपको फेशियल करने की या फिर कोई और स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्किन वैसे ही ग्लोइंग है। ठीक है, मैंने माना कि ग्लोइंग है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज़ सुंदर चीज़ है उसकी केयर तो करनी पड़ती है। अगर केयर नहीं करेंगी तो कैसे हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना। तो उसकी केयर करना ज़रूरी है, इसलिए एक एज पे आने के बाद आपको फेशियल वगैरह जो है और अपना स्किन केयर हो गया, मतलब अपना हाथ पैरों का हो गया, तो वो सब आपको करना ही पड़ता है, फिर चाहे आप सुंदर हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये शेयर कीजिए वो शेयर कीजिए, तो देखो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके ही आपके लिए सारी चीज़ें शेयर करूंगी अपने दूसरे वाले चैनल पर, शौरांजलि फूड एंड ब्यूटी पे। तो उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं, आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, आपका फ़ायदा ही होगा उसमें, कम से कम खर्च में, कम से कम पैसों में मैं वहाँ पे आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कुछ खाने पीने की, है ना। अगर आप अपनी स्किन को, अपने आप को यंग रखना चाहते हैं या फिर खूबसूरत रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे लेप लगाने से ही आप खूबसूरत होंगे। सबसे पहली बात, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, गर्मियों में, सर्दियों में, कोई भी टाइम हो पानी बहुत पीना चाहिए, जितना आप पी सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, आप अपने डाइट में सैलेड, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें थोड़ा सा शामिल करें, सब्जियाँ खाएँ, उससे क्या होता है आपके नेल्स, आपके हेयर, ये सारी चीज़ें अच्छे होते हैं। ठीक है, आपकी आंखों की रोशनी वगैरह, आपका चेहरे का ग्लो, ये सारी चीज़ें खाने पीने से ही आती हैं, नेचुरल अगर आपको चाहिए तो। सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना, दूध पीना चाहिए, जो कि मैं नहीं पीती हूँ मैं पीती हूँ बट फिर मैं ऐसे ही पीती हूँ किसी ना किसी के बहाने, ऐसे मैं पीती हूँ और ऐसे बहुत से लोग पीते होंगे।
लेकिन पीना बहुत ज़रूरी है, फिर आप चाहें कैसे भी पिए, ठीक है। और बहुत टेस्टी लंच बना था आज का, बहुत टेस्टी। जो मुझे राइस बहुत पसंद है आपको पता है ना, लंच करने के बाद ऐसी नींद आई भी 2 घंटे मेरी आँख बिल्कुल भी नहीं खुली। मैंने इनको फ़ोन कर दिया था कि प्लीज़ मुझे फ़ोन मत करना, मैं अभी सोऊंगी। मैंने पहले ही मना कर दिया था, नहीं तो फिर फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, उसको आप साइलेंट कर नहीं पाते हो क्योंकि पता नहीं कब ज़रूरत का फ़ोन आ जाए, साइलेंट कर नहीं पाते हो, बंद कर नहीं पाते हो। तो मैंने सोचा कि वैसे ज़्यादा कम लोग फ़ोन करते हैं, तो मैं सबसे पहले इनको मना कर देती हूँ, बस इन पर ही मेरा जोर चलता है। तो अभी मैंने बहुत सारे नाम नोट किए हुए हैं, सबको विश करना है। अभी थोड़ी सी बातें लंबी होने वाली हैं। एक बात और, आपको एक चीज़ याद आ रही है, इस टाइम में लास्ट मार्च में हमारे साथ क्या हुआ था 2020 में, उस चीज़ को याद करते हैं ना तो अभी भी रूह कांप जाती है यार। मतलब हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहने लगे थे, अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था, है ना। कैसे हम लोग मतलब कैदियों की तरह कैद हो गए थे अंदर, बस अपना वो सोच। आज मुझे, मैं वही सोच रही थी कि मार्च चल रहा है और श्याम, खाटू श्याम जी का मेला लगा हुआ था, ये मेले में गए थे, मेले से आए थे, उसके तुरंत बाद ये कोरोना जैसी बीमारी आ गई थी हमारे यहाँ पे और लॉकडाउन लग गया था, है ना। तो अगर ये चीज़ पता है, अभी भी पता है लोग बाग क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। राजस्थान में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, दर्शन करने हम भी जा सकते हैं। और पता है अभी खाटू श्याम जी का मेला लगा हुआ है, भगवान जी माफ़ करे, लेकिन पता है अभी इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए लोगों को। दर्शन करने के लिए मेले में जा रहे हैं, मेले में आप समझते हैं कितनी भीड़ होती है, इतना सा भी स्पेस नहीं होता, इतना सा भी स्पेस एक दूसरे में। तो यार बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पे बढ़ रहे हैं राजस्थान में, अभी मुंबई में, राजस्थान में। तो कोरोना अभी हम लोग मतलब सोच रहे थे कि चला गया या जाने वाला है, लेकिन वो फिर से ना दम भरने लगा है, आप ये बोलेंगे, क्योंकि लोग वह मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। घर से भी कर सकते हो, घर से भगवान जी को मना लो, 1-2 साल नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, मेरा मानना तो ये है। और फिर उन लोगों की मर्जी जो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग इसलिए नहीं गए हैं। मैंने इनसे फोन पर भी बात की थी, तो ये भी बोल रहे थे कि खाटू श्याम जी का मेला आने वाला है। मैंने बोला हाँ, ये वही टाइम आ गया जिस टाइम पे कोरोना आया था, मेले के जस्ट ये आए थे 3-4 दिन के बाद ना ये कोरोना आ गया था, पता है। तो ये हुआ था, मतलब उस चीज़ को सोच सोच के अब ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे दिन फिर से ना दिखाए हमें, और हम लोग हमेशा अच्छे हंसते खेलते ही रहें, और फिर से हमें कैद नहीं होना यार अंदर, समझ जाओ लोग बाबू। तो बस ये है। और बताए अब ना, ये जो लोअर टी शर्ट मैं पहने हूँ ना, ये पहने हूँ, ये देखो ये मेरा ये है लोअर। तो यार ये पहन पहन के ना मैं बोर हो गई हूँ और आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो मुझे आज ना थोड़े से कपड़े अपने छांटने हैं। समर आ गए हैं आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ इसलिए बैठी हूँ, थोड़ी धूप छाँव मिल रही है और अच्छा लग रहा है, अंदर अकेले अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा कपड़े छांटती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, कुछ टाइम तक जाने आने तक पहनती हूँ नए कपड़ों को, उसके बाद फिर मैं ना उनको डेली में निकाल देती हूँ। तो मैं ना यही काम करने वाली हूँ, इनको रिजेक्ट करने वाली हूँ, लेकिन तब तक पहनूंगी जब तक कि मेरे पास दूसरे नहीं आ जाते हैं। मैंने इनको बोला है कि मुझे अब नाइट वियर लेने हैं यार, थोड़े से मेरे पास है नहीं। तो ये सब बोर हो गई पहन पहन के, और बहुत पहन लिए, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ नया आ जाए, और क्योंकि गर्मी बहुत खतरनाक पड़ती है, अभी स्टार्ट होगी तब पता चलेगा होली के बाद से। तो मुझे ना नाइट सूट वगैरह अपने लिए ऐसे कुछ लेना है, देखती हूँ कब तक लूँगी। तो पहले तो आज मुझे वो सारे कपड़े सूट वगैरह देखने हैं कि जो मैं नाइट सूट वगैरह, तो मुझे घर में कंफर्टेबल रहना है ना, तो मुझे इस तरह से नाइट सूट लोअर टी शर्ट यही पहनना पसंद है, पता नहीं क्यों। और मतलब मैं इस कपड़े निक पहन तो लेती, फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं जा रही हूँ क्या, मतलब एक बंधक में रहती हूँ मैं कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। और जब मैं ऐसे लोअर टी शर्ट पहन लेती तो बहुत कम्फर्टेबल फील करती हूँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा है ना, घर में मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है ऐसे ही रहना। तो अभी मैं देखती हूँ अलमीरा अपनी खोलूंगी, निकालूंगी कि अब मुझे कौन कौन से, अब मैं क्या करूँगी, नए वाले कपड़ों को अलग रखूंगी और जो मैं डेली के लिए निकाल रही हूँ ना उनको मैं अलग रखूंगी। अभी मैं ना एक साथ रखती हूँ तो एक निकालती हूँ ना तो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं, फिर मेरी अलमीरा ना पूरी मैसी हो जाती है, आपको दिखाने का ही मन नहीं करता। मैं कई बार उसको लगा चुकी होती हूँ लेकिन वो कभी मुझे लगती नहीं कि मैंने उसको लगाया है, 2-3 दिन लगेगी बस, उसके बाद नहीं लगती फिर वो। तो मैं इस बार अलग ही कर दूंगी उसका सेक्शन, बिल्कुल नए वाले कपड़े अलग ही रखूंगी, उनको देखना ही नहीं है, जब कहीं जाएंगे तभी देखना है, ठीक है। और मैंने कुछ शॉपिंग और की है कपड़ों की, तो वो आपको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि अभी कुछ कपड़े आने बाकी हैं।
और आजकल ना मेरे चैनल पे व्यूज कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद या तो मैं आपको कुछ अच्छा नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ रेसिपी वगैरह देने की, क्योंकि मैं अकेली हूँ, कहीं अभी जा सकती नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरा मन नहीं करता फिर ब्लॉग बनाने का। मैंने कल ना गुस्से में आकर के एक कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी कि मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी, क्योंकि यार इतनी मेहनत करो फिर आपको जब वो व्यूज़ ना मिले ना तो फिर बिल्कुल मन करता नहीं है। तो कुछ लोग वहाँ पे आके कमेंट कर रहे थे कि ड्रामेबाज हो, जब मन नहीं करता तो वीडियो बनाती क्यों हूँ। मैं तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बनाती यार, कितनी बार जवाब दूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो कि वहाँ पे आके ये बोलते हैं कि दीदी ऐसा क्यों कर रही हो, आप तो हमारी जान हो, आपसे तो हमारा दिन स्टार्ट होता है। तो मैं सोचती हूँ कि यार फिर मतलब एक तरफ मन ये करता है कि ना डालूँ, एक तरफ मन करता है कि यार छोटा सा वीडियो बना के मैं डाल दूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरा इंतज़ार करते हैं। जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं भी इंसान हूँ यार, ठीक है। तो मैं सो गई थी, तो मैंने अपने लिए एक अलग से ब्लैंकेट निकाल रखा है, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ ना इसलिए, तो बस वही मैंने अभी उठा के रखा हुआ है। बेड थोड़ा सा मैसी है, उसको थोड़ा सा ठीक कर दूँगी, और ग्रीन कलर के ये मतलब जो कवर है ना वो देख देख के परेशान हो गई हूँ, तो मैंने थोड़ा ब्लू कलर के डाल दिए, चेंज कर दिए हैं, और वैसे भी गंदे हो रहे थे तो उनको धुलना है मुझे। और ये कुछ कपड़े रखे हुए थे उस वाले बेड पे, तो वो सारे कपड़े मैं उठा के ले आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे कपड़े जो है ना, मैंने आपको बताया था कि एक जैसे करने हैं, डेली के लिए अलग निकालना है, और जाने आने वाले कपड़े मुझे एक से करके रखने हैं, क्योंकि अलमारी जो है मेरी बहुत मैसी हो रखी थी इसलिए। तो अभी ये देखो इतने ये दुपट्टे निकाले हैं मैंने, पूजा वगैरह करती हूँ ना तो डालने के लिए, और इतने कपड़े मैंने डेली के लिए निकाले हुए हैं, और वो साड़ी मुझे प्रेस करके रखनी है, बहुत टाइम से पहनी नहीं है। और ये अलमीरा मैंने कुछ इस तरह से कर दिए हैं, बट इतने कपड़े मुझे भी प्रेस करके रखने हैं, प्रेस नहीं है, ठीक है। तो ऊपर मेरा ये मैंने इस तरह से हैंग किया हुआ है, ये मैंने दिवाली पर लिया था ना क्रॉप टॉप, तो ये हो गया है मेरा, ठीक है। तो इन सभी कपड़ों को मैं ना इस वाले कवर्ड में रखूंगी, इस वाले कवर्ड में नीचे जगह करके, ठीक है। तो अभी इतना काम मैंने कर लिया है, प्रेस वाला काम मुझे बहुत जल्दी निपटाना है, जब मैं सोच लेती ना तो वो काम मुझे करने ही होते हैं, तो प्रेस वाला काम मैं कल कर लूंगी, कल संडे है ना, कल ही कर लूंगी मैं ये वाला काम, बहुत ज़रूरी है करना। तो चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और यहाँ पे वो मैंने कवर्ड इसलिए खाली किया है क्योंकि कुछ शॉपिंग मेरी वहाँ पे वो रखी हुई है, आपको दिख रहा है पैकेट वगैरह, और ये साड़ी मैंने कल पहनी थी, इसको भी फोल्ड करना है, तो वो पैकेट रखे हुए हैं ना उनके लिए जगह बनानी थी। मैंने न्यू कपड़ों की शॉपिंग की है ना, और अभी मुझे थोड़ा सा नाइट शूट वगैरह अपने लिए लेने हैं, तो वो सब कुछ जब आ जाएगा फिर आपको दिखाऊँगी। अभी कुछ आए हैं कुछ आए नहीं हैं, और मेरे फेस पर कितना ज़्यादा बोल रहा है ना, गर्मी से लग रही है यार, काम करके तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैंने सारे कपड़े ठीक से लगा दिए हैं, तो बस खाली ये साड़ी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी क्यों छोड़ू, ये काम भी कर ही दो हाथों हाथ, क्योंकि फिर तो फिर होती है। तो बस ये साड़ी है, इसको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके और हैंग कर दूँगी। तो ये जो साड़ियाँ हैं ये मेरे मीशो हॉल पे आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, या तो लिंक दे दूँगी या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जब मैंने मीशो से साड़ियाँ मंगवाई थी तो मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ ली थी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे साड़ी मैंने फ़ोल्ड करके रख दी है, और पेटीकोट अलग रखती हूँ, साड़ी को मैं अलग रखती हूँ। अभी मैं यहाँ पर पौधों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर ही मैं पौधों में पानी देती हूँ।
तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी क्योंकि अभी मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी थोड़ी सी केयर कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नींबू लिया हुआ है एक, जिसको मैंने 2 से 3 पीसेस में कट कर लिया है। तो ये जो अपने हमारे जो पैर होते हैं, जैसे कि हम बॉडी अपना फेस का केयर तो डेली ही करते हैं तो वो हमारा चमकता रहता है, ऐसे ना कभी कभी फिर हाथ पैरों की भी याद आती है कि यार इनकी कंडीशन कितनी ख़राब हो गई है, इन पे तो हम ध्यान देते ही नहीं हैं, देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पैर होते हैं ना, हम चप्पल पहनते हैं ना तो चप्पल के निशान बन जाते हैं। देखो मेरे पैरों पे चप्पल के निशान बने हुए हैं, मतलब डबल सैड हो जाता है आपके पैरों में, कभी लाइट कहीं डार्क इस तरीके का, और हाथों में भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कलर जो है ना डार्क हो जाता है हाथों का। और मेरा तो हो गया था अभी, तो मैंने तो अभी अपनी बॉडी केयर वगैरह तो किया ही नहीं है, खाली स्किन केयर ही किया है इतने दिनों से। तो जैसे कि हमारी जो कोहनी होती है वो भी कितनी ब्लैक रहती है ना, तो मैंने यहाँ पे लिया है नींबू, सिर्फ और सिर्फ नींबू है ये। आप ना 4-5 दिन इस तरह से करके देखना, आपके जहाँ जहाँ आपका ब्लैक ब्लैक हो गया है ना, वो सब कुछ क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, कलर आपका एक जैसा हो जाएगा, जैसा आपका कलर है वैसे। तो मैं ना पैरों पे इस तरह से रब कर रही हूँ, हाथों पे रब कर रही हूँ, कोहनी पे रब कर रही हूँ, और इसको आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दूंगी। जब ये अच्छे से आधे घंटे तक ऐसे रहेगा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, फिर मैं इसको धुल दूंगी पानी, तो फिर मैं इसको पानी से धो दूंगी अच्छे से। तो ऐसे आप लोग करके देखना, इससे ना आपके नेल्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, नेल्स का जो पीलापन होता है ना वो भी दूर होता है। नींबू आपके लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है, आप इसको अपने खाने में भी ज़रूर ऐड करें, खाने पीने में, और आप इसको इस तरह से अपने बॉडी के लिए भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है नींबू। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, और आई होप कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा एनी रेटू और शुरानजली को। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आईडी है इंडियन यूट्यूबर शौरांजली। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।